शराब नीति पर खुद को फंसता देख आम आदमी पार्टी बौखला गई है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है सिसोदिया ने, इस रिपोर्ट में देखिए। शराब नीति पर बवाल के बाद अब दिल्ली में स्कूल पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाती है। अब इन्हीं स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बवाल छाया हुआ है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहती है। उसके खुद के राज में 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मनीष सिसोदिया के आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 से देश में इनकी सरकार है। इस दौरान हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए जबकि प्राइवेट स्कूल खोले गए। बीजेपी के राज में 2015 से 2021 के बीच 72,447 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इनमें करीब 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में और 22,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए। वहीं 11,739 प्राइवेट स्कूल खोले गए जिन्हें भाजपा नेता संचालित करते हैं। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने शराब नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जब शराब के मामले में कुछ नहीं मिला तो अब उसने स्कूल में भ्रष्टाचार का जुमला शुरू किया है। बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कराना चाहती है, इसीलिए वो ये फर्जी FIR कर रहे हैं। शराब के कथित घोटाले में कुछ नहीं निकला तो अब कह रहे हैं कि स्कूल बनाने में गड़बड़ी हुई है। CBI को मेरे घर पर रेड किए हुए 10 दिन हो गए लेकिन ये अब भी नहीं बता पाए कि क्या मिला। मनीष सिसोदिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी की सारी बातें झूठी हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हैं, बीजेपी की स्कूल के कथित भ्रष्टाचार में दिलचस्पी नहीं है बल्कि इनकी साजिश है कि सरकारी स्कूल बंद कराए जाएं। ये अनपढ़ गंवार की पार्टी है और पूरे देश को अनपढ़ गंवार रखना चाहती है। 2015 के बाद से 700 नए स्कूल बिल्डिंग अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनवाए हैं। ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते हैं। हमने बिल्कुल खर्चा किया है, शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं। सिसोदिया ने आगे कहा कि CBI और ED तो इनके बहाने हैं। वो जब CBI रेट से नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे। इन्होंने 4 साल पहले भी रेट कराई थी, कुछ मिला क्या। इन्होंने हमारे 40 विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज किए, क्या मिला। बीजेपी को सिर्फ रेड करना आता है, हमें स्कूल बनाना आता है। बहरहाल आम आदमी पार्टी हर बार की तरह फिर से अपने मुमिया मिट्ठू बन रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिसोदिया ने जो दावे किए हैं क्या उनके पास उस बात के कुछ सबूत हैं कि हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है और पकड़े जाने पर लिखित माफीनामा भेजकर माफी मांगी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल TV के साथ। नमस्कार।